नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। बीते 9 वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं। यहां के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट तिमजन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है, मजा लेता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं। आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है। फांगनोन कोयंग जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है। ये रानी गाइडिनल्यू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइडिनल्यू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, मैं सामाजिक जीवन में काम करता।